और पानी भी दे देना बेटा पानी का गिलास और मॉटल अच्छा गुड आफ्टरनून तो सर फास्ट ट्रैक चल रहा है उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो को लाइक करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे एंड हम लोग टी के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किस पे आ चुके हैं एंड के ऊपर आ चुके हैं यस और नो सो जल्दी से एक बार रिविज़न करते हुए आज हम नोट्स को हाईलाइट करते हुए चलते हैं ताकि रिविज़न का रिविज़न हो जाए नोट्स के हाईलाइट का पार्ट नोट्स का हाईलाइट हो जाए ये ठीक रहेगा आज के लिए यस yes? चलो सो आ जाओ आपका चैप्टर नंबर थर्टीन यस yes, यहाँ पे क्या दिख रहा है टी डी एस चलो जल्दी आ जाओ जैसे आप देखेंगे सबसे पहले आपको वही चीज़ यहाँ पे दी गई है जो आप बना रहे हैं राइट बट ये मैंने आपको कितना भी दे दिया तो मैं जानता हूँ आप मेरे जैसे प्यारे बच्चे हैं है ना कितना भी मैंने कह दिया तो आप नहीं करते थे ये चीज़ को पढ़ते नहीं थे क्योंकि वैसे तो पूरी बुक दी है पढ़ना तो चाहिए ना यस yes. चलो सबसे पहले इधर आ जाओ डायरेक्टली बेसिक्स हु शेल डिडक्ट द टैक्स बोलो जल्दी से ल डिडक्ट द टैक्स ऑन वॉट ऑन द स्पेसिफाइड पेमेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट बेनिफिट जो भी आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं यह सामने वाले को क्रेडिट मिलेगा और टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया तो डिसी एस एट दीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अदरवाइज इट विल बी डिसउड बेनिफिट टू डिडक्टी टैक्स डिडक्टेड एंड पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एस एस सी सेक्शन वन नाइनटी नाइन ठीक है फिर क्लबिंग याद करो जिसके हाथ में इनकम क्लब होती है जिसके हाथ में इनकम क्लब होती है क्रेडिट उसी को मिलता है वेयर द इनकम इज असेबल पार्टली और फुल्ली इन द हैंड्स ऑफ पर्सन अदर देन द डिडक्टी क्रेडिट ऑफ टी डी एस शेल बी गिवन टू सच अदर पर्सन तो क्रेडिट ऑफ टी डी एस शेल बी गिवन टू सच अदर पर्सन फिर था टू जीरो सिक्स डबल ए राइट टू जीरो सिक्स डबल ए वो यहाँ पे नीचे वापस है तो हम नीचे पढ़ेंगे इफ़ प्रोविजन ऑफ टी डी एस इज़ नॉट मैंशन मान लीजिए कोई ऐसा पेमेंट है जिसके ऊपर टी डी एस की प्रोविजन ही नहीं दी है तो ऐसे केस में क्या क्या जाता है लॉ अजूम कर लेता है कि भैया फिर वो पर्सन डायरेक्टली टैक्स क्या करेगा पे ठीक है फिर आते हैं हमने शुरुआत करी थी सबसे पहले कौन से नंबर से बेटा टेन नंबर याद आ रहा है क्या आपको राइट right? हर वो पर्सन जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है या टीडीएस को कलेक्ट कर रहा है उसके पास क्या होना चाहिए टैन सो एवरी पर्सन डिडक्टिंग और कलेक्टिंग टैक्स इन अकॉर्डेंस द प्रोविजन हु हैज नॉट अलॉटेड अ टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर और एज द केस में भी कलेक्शन अकाउंट नंबर शेल विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम अप्लाई टू एओ फॉर अलॉटमेंट ऑफ टैन बैरक देखेंगे तो यहाँ पे एडिशनली ये लिखा है कि टैन आपको कहाँ कोट करना है आपको आपका टैन हर चलान पे हर सर्टिफिकेट पे हर पीरियोडिक स्टेटमेंट पे हर रिटर्न पे आपको क्या करना है कोट फिर था टू जीरो सिक्स डबल चलो रिवाइज करो टू जीरो बेटा पे ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, क्या प्रोवाइड करे पैन नहीं तो टी डी एस जो डिडक्ट होगा रेट इन एक्ट रेट इन फोर्स और ट्वेंटी परसेंट हालांकि परसेंट की जगह फाइव परसेंट सो एनी पर्सन एंटाइटल टू रिसीव एनी सम और इनकम यस शेल फर्निशेज पैन टू द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग द टैक्स राइट विच शेल बी डिडक्टेड एट हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट रेट इन द एक्ट rate in the force or 20% provided that where tax required to be deducted under section 1940 then it is to be substituted then it has to be substituted where the pan provided to the deductor is invalid or does not belong to deductee it shall be deemed that pan is not provided pe sirf likhe, under section 1940 and 194q 5% is max डन फिर था टू जीरो सिक्स ए बी सामने वाले ने क्या भरना चाहिए जिसका आप टी डी एस काट रहे हैं रिटर्न अगर उसने रिटर्न नहीं भरा है प्रीवियस प्रिडिंग ईयर के लिए तो टी डी एस विल बी ट्वाइस द रेट गिवेन इन द एक्ट ट्वाइस द रेट इन फोर्स और फाइव परसेंट पक्की बात यस सेक्शन टू एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दिस सेक्शन रिक्वायर दैट पेयर हु टैक्स इन सच केस ऑफ पेई हु इज अ नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न टी डी एस शेल बी डिडेक्टेड एट हायर रेट पर्सन हु रिस्पॉन्सिबल टू पे स्पेसिफाइड सम शेल रिक्वायर टू डिट टी डी एस एज पर टू जीरो सिक्स ए बी ऑन सच अमाउंट पेड और पेबल और क्रेडिटेड टू द स्पेसिफाइड पर्सन यस स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन हू हैज नॉट फाइल्ड आर ओ आई फॉर द असेसमेंट इयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर

यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे हालांकि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है फॉलोइंग सेक्शंस के ऊपर तो एक लॉन्ग लिस्ट है इन सेक्शन के ऊपर ट्वाइस द रेट इन एक्ट वाला जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं है इन सेक्शन की लिस्ट को याद मत रखना यस yes, इन सेक्शन की बहुत बड़ी लिस्ट को याद मत रखना हालांकि जो अमेंडमेंट वाले पार्ट है बस इसको एक बार देख के जाना फिर आया था टू हंड्रेड ड्यूटीज ऑफ टैक्स याद करके देखो जो भी टैक्स आपने डिडक्ट किया है राइट अगर ये अप्रैल से फरवरी तक का है तो आपको कब तक के पे करना है सेवेंथ ऑफ नेक्स्ट और अगर ये मार्च का है तो थर्टीथ अप्रैल ठीक है देखो रिविजन भी हो रहा है और हाईलाइट भी हो रहा है तो अपना दोनों काम हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट टी रिटर्न कब तक के भरना है एक मिनट कौन कौन से फॉर्म में रिटर्न है पहले ये बताओ ट्वेंटी फोर क्यू ट्वेंटी सिक्स क्यू ट्वेंटी सिक्स क्यू बी ये सोनो एंड ट्वेंटी सेवन क्वार्टर खत्म होते ही थर्टी फर्स्ट डे के अंदर में रिटर्न भरना है तो डेट बन गई आपकी थर्टी फर्स्ट जुलाई थर्टी फर्स्ट अक्टूबर थर्टी फर्स्ट जनवरी एंड थर्टी फर्स्ट मे ये सुनो अच्छा जी हालांकि एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टी डी एस अंडर वन आईए फोर आई ए आई ए ईमानदारी से एक्विजिशन वन नाइन्टी फोर आई बी पर्सनल रेंट वन फोर एम राइट पर्सनल पेमेंट्स राइट शेल सबमिट टू डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और ऑथराइज पर्सन अ चलान कम स्टेटमेंट इन ट्वेंटी सिक्स क्यू बी ट्वेंटी सिक्स क्यू डी एंड ट्वेंटी सिक्स क्यू सी अब देखिए अगर कोई वन नाइन्टी फोर आई ए में अपना टी डी एस डिडक्ट कर रहा है उसके लिए ट्वेंटी सिक्स क्यू बी था दो नए फॉर्म इस साल से लेके आए हैं वन नाइन्टी फोर आई बी वाले को क्यू सी भरना है वन नाइन्टी फोर एम वाले को क्यू डी भरना है और ये कब तक भरना है विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स तो भैया जिस मंथ में टैक्स डिडक्ट किया उसके तीस दिन के अंदर क्यूबी क्यूसी या क्यू डी भरना है क्लियर है yes. फिर था रिटर्न प्रोसेसिंग टू हंड्रेड ए याद करके देखो जो भी रिटर्न हम लोग सबमिट कर रहे हैं ये क्या किया जाएगा अर्थमेटिकल एरर इनकरेक्ट क्लेम के लिए प्रोसेस किया जाएगा याद आ रहेगा तुमको अर्थमेटिकल एरर इनकरेक्ट क्लेम और आपको क्या इशू किया जाएगा इंटीमेशन सो वेयर क्वार्टरली रिटर्न ऑफ टी और करेक्शन स्टेटमेंट हैज बीन मेड बाय पर्सन डिडक्टिंग एनी सम राइट सच क्वार्टरली रिटर्न शेल बी प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर पहला अर्थमेटिकल एरर दूसरा इनकरेक्ट क्लेम इंटरेस्ट फीस सम पेबल और रिफंड ड्यू शैल बी डिटरमाइंड एन एंटीमेशन शेल बी प्रिपेयर जनरेटेड एंड सेंड टू डिडक्टर स्पेसिफाइंग द द सम पेबल और अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम अंडर क्लॉज डी ये सोनो फिर है सेक्शन 197 याद करके देखो अगर कभी भी किसी को ऐसा लग रहा है कि उसका टैक्स डिडक्ट नहीं होना चाहिए वो किसके पास जाएगा एओ और क्या निकल के आएगा सर्टिफिकेट फॉर्म फिफ्टीन जी फिफ्टीन एच Where in case of any income of any person, some payable to any person, some payable to any person, income tax is required to be deducted at the time of credit or at the time of payment as rate enforced. The AO is satisfied that total income of recipient justifies deduction of income tax. The AO shall on application made by SSC in this behalf, give him such certificate as may be appropriate. Give him such certificate as may be appropriate. Clear, Amalik? वन नाइन्टी एट यस जो आपने टैक्स डिडक्ट किया इनिशियली वो क्या माना जाएगा आपका इनकम रिसीव्ड अगर आप वो गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करते सो ऑल सम डिडक्टेड एज पर दिस पर्टिकुलर चैप्टर शेल फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इनकम ऑफ द दसी बी डीम्ड टू बी इनकम रिसीव्ड हालांकि ये इनकम रिसीव्ड दो सेक्शन में नहीं माना जाएगा वन नाइन्टी टू आई ए एन वन नाइनटी फोर एन फिर था सर्टिफिकेट ऑफ टी डी एस याद करके देखो फॉर्म सिक्सटीन सिक्सटीन ए सिक्सटीन बी एक सर्टिफिकेट इशू करना है टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बताइए 201 अगर फेलियर हुआ टैक्स डिडक्ट करने में वेदर एस विल बी ट्रीटेड एज एस इन डिफॉल्ट यस सो

फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट कितना बेटा वन पॉइंट फाइव परसेंट कुछ और पेनल्टी लिखी है अगर आपने टी डी एस से डिडक्ट नहीं किया सम इक्वल टू टी डी एस की पेनल्टी लग सकती है अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया टेन थाउजेंड से वन लाख तक की पेनल्टी लग सकती है और अगर आपने टी डी एस सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया हंड्रेड रुपीज़ फॉर एवरी डे की पेनल्टी लग सकती है हाईलाइट करते जाए ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट बैठे मत रहो कुछ ना कुछ करते जाओ इधर आओ फिर आया था सरचार्ज वाली बात बोल बेटा सरचार्ज रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस केस में आएगा सैलरी तो अगर हम रेसिडेंट पे ही की बात करें रेसिडेंट पे ही की बात करें कंपनीज के, के केस में नो सरचार्ज अदर एस एस सी के केस में नो सरचार्ज ऑन एजुकेशन शेयर्स हाउएवर सरचार्ज ऑन एजुकेशन शेयर शैल बी एडेड ऑन टी डी एस ऑन सैलरी बराबर है केस ऑफ नॉन रेसिडेंट याद करो फॉरेन कंपनी है तो सरचार्ज का रेट क्या होगा टू परसेंट एंड फाइव परसेंट एच ईसी कितना फोरसेंट यही अगर इंडिविजुअल रहे तो सच कुछ भी हो सकता है। प्लस एच ई सी एट द रेट ऑफ फोरसेंट बाकी सारे अदर फर एस फॉर एग्जाम्पल फर्म सरचार्ज विल बी एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट प्लस एच ई सी विल बी एट द रेट ऑफ फोरसेंट बराबर है ना फिर आता है टी डी एस ऑन जीएसटी चलो रिवाइज करो टी डी एस ऑन जीएसटी जल्दी से रिवाइज करो ऑल ऑफ इंडिया जल्दी रिवाइज करो on the value excluding gst if gst is separately shown tds on the amount excluding gst not separately shown on the whole amount clear jitta bol raha hu bas utta highlight karte jao likha apne sab don't worry main sab ant pe hi leke aa raha hu फिर यहाँ पे important forms दिए हैं सारे due डेट्स दिए हैं नीचे वापस वही चीज़ ला करके रखा है 24 क्यू 26 27, 26QB. फॉर्म सिक्सटीन सिक्सटीन ए सिक्सटीन बी और ये पंद्रह दिन में इशू करना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न तो बस इतना हाईलाइट कर लो हमने रिवाइज ऑलरेडी कर लिया इज द डन नेक्स्ट पार्टनटी फोर बी ओ हो हो बी बोलो वन नाइनटी फोर बी लॉटरी एंड कैजुअल विनिंग अदर देन ऑनलाइन विनिंग टेन थाउजेंड थर्टी परसेंट एनी पर्सन टू रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट एक्सीडिंग टेन द टाइम ऑफ पेमेंट अगर विनिंग पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड है तो आप काइंड का क्या लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू प्योरली इन काइंड पैसा कलेक्ट करेंगे फिर विनिंग देंगे एवरीबॉडी फिर आता है 194 डबल बी हॉर्स रेसेस बोलो 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 अमाउंट और लिमिट दोनों बोलते हो टेन थाउजेंड थर्टी परसेंट एक्सीडिंग टेन थाउजेंड थर्टी परसेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट इस साल का अमेंडमेंट 194 नाइन्टी बी ऑनलाइन विनिंग्स यस एनी अमाउंट अब ये एनी अमाउंट का मतलब क्या मैं बोल सकता हूं विनिंग और विड्रॉल याद आए क्या ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है यस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जनरली टीडीएस कब होगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लेकिन अगर इसके पहले पैसा विड्रॉ हुआ है तो क्या टीडीएस तभी हो जाएगा और नेट विनिंग इन केस वेर देर इज अद्रॉल फ्रॉम द यूजर अकाउंट टी डी एस बी डायरेक्टेड एट द टाइम ऑफ सच विद्रॉल ऑन द नेट विनिंग कम्प्राइजेज इन सच विड ड्रॉल क्या हमने रूल वन थर्टी थ्री भी देख लिया कि नेट विनिंग कैसे निकालते हैं चलिए वन नाइन्टी फोर डी द इंश्योरेंस कमीशन याद आ रहा है क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी अगर एजेंट को दे रही है एक्सीडिंग फिफ्टीन थाउजेंड फाइव परसेंट पब्लिक टेन परसेंट अच्छा बताओ टेन परसेंट किसके लिए डोमेस्टिक कंपनी फाइव परसेंट किसके लिए डन 194 डीए हमारा पेंडिंग है ठीक है रुक जाओ मैं इसको रोक रहा हूं फिर आता है नेक्स्ट 194 जी बराबर है जी मैं लॉटरी बेचता हूं याद आ रहा है क्या फिफ्टीन थाउजेंड फाइव परसेंट सो यह आ गया फिफ्टीन थाउजेंड फाइव परसेंट नेक्स्ट था वन नाइनटी फोर डिविडेंट याद करो जब भी कंपनी डिविडेंट दे रही है किसी भी शेयर होल्डर को और यह डिविडेंट एक्सीड कर जाता है तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ यस बट दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इफ द डिविडेंट इज मेड टू एल आई सी जीआईसी अदर इंश्योरेंस बिजनेस ट्रस्ट और अदर पर्सन स्पेसिफाइड नेक्स्ट वन नाइन्टी फोर के पड़ा पड़ा सा लग रहा है ब्रो बोल वन नाइन्टी फोर के के अंदर में म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर को अगर क्या करता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है पांच हजार पांच परसेंट सॉरी दस परसेंट सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर द अमाउंट डज नॉट एक्सीड फाइव थाउजेंड एंड इनकम इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन डन फिर आता है 194C. नाइंटी फोर ओ माई गॉड 194C कॉन्ट्रैक्ट याद करके देख यहां पे डी तभी डिडक्ट होगा जब वो पर्सन होगा स्पेसिफाइड परसन एक्सीडनो एंडियल इमीडिएटलीयर इन विच इट इज पेड अदर्स के लिए इफ एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट सिंगल पेमेंट कितना बेटा थर्टी थाउजेंड एग्रीगेट पेमेंट कितना पे अगर इंडिविजुअल तो कितना टू परसेंट नो टीडीएस इन केस ऑफ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट येस नो टीडीएस अगर गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दिया एंड इट ओन लेस देन टेन गुड्स व्हीकल फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में याद है ना यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर और इज रिलेटिव अगर हम मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे तो टीडीएस होगा नहीं तो ये होने वाला नहीं है ठीक है मालिक बाकी सब हमने ऑलरेडी लिखा है हाईलाइटिंग में इतना ही है नेक्स्ट आता है 194 जे नेक्स्ट आता है बेटा 194 जे किसका बेटा प्रोफेशनल अगेन पर्सन कैसा होना चाहिए बेटा स्पेसिफाइड पर्सन अगर 30,000 के ऊपर जाता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ डायरेक्टर सिटिंग फीस क्योंकि डायरेक्टर सिटिंग फीस पे कितना है बेटा यस टेक्निकल सर्विसेज एंड रॉयल्टी ऑन फिल्म क्या टू होगा कॉल सेंटर के ऊपर क्या टू परसेंट होगा बाकी सब के ऊपर टेन परसेंट कल ही हम लोगों ने लिख लिया ये पूरा यस yes? फिर यहाँ पे नीचे लिखा है सी बी डी टी के एक नोटिफिकेशन द्वारा प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर में क्या क्या आएगा स्पोर्ट्स पर्सन एम्पायर कोच टीम फिजिशियन इवेंट मैनेजमेंट कमेंटेटर एंकर स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट ये सब क्या माना जाएगा प्रोफेशनल ये सो नो? ये भी सब क्या माना जाएगा प्रोफेशनल काम खत्म इनका भी टीडीएस डी जे में होगा ओके वन नाइन्टी फोर एच एच का बेटा कमीशन एंड ब्रोकरेज पंद्रह हजार पाँच याद है तुम लोग को यस अगेन यहां पे पर्सन कौन होगा बेटा चिजार मतलब पर्सन कौन होगा स्पेसिफाइड पर्सन किसी भी रेसिडेंट को पंद्रह हजार से ऊपर दे रहा है फाइव परसेंट यस अगर ये कमीशन बी एस एन एल एम टी एन एल वाले दे रहे हैं तो टी डी एस नहीं है ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज आर नॉट कवर्ड इन नाइनटी फोर एच बट टी डी एस शैल बी डिटेड ऑन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कमोडिटी याद आ रहा है क्या ब्रो यस फिर याद है वेयर द कंटेंट इज प्रोड्यूस एज पर द स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर टी डी एस विल बी कवर्ड अंडर वन नाइनटी फोर सी पर अगर ये उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है टीडीएस कटेगा येस कौन सेक्शन में डोंट नो नेक्स्ट पॉइंट 194 ए याद कर पांच हजार चालीस हजार अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन पे कर रहा है किसी भी रेजिडेंट को अदर्स वाले होंगे तो फाइव थाउजेंड बैंक पोस्ट ऑफिस या कंपनी होगी इफ़ पेमेंट एक्सीट फोर्टी थाउजेंड ये सोनो मिनट यहाँ इंटरप्रिटेशनल इशू ना आ जाए इसी के लिए इस केस में पेयर बैंक पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव होंगे तो टीडीएस कितना बेटा टेन परसेंट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर नो टीडीएस ऑन फॉलोइंग अगर इंटरेस्ट किसको मिल रहा है बैंकिंग कंपनी एल आई सी यूटीआई एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस फिर याद होगा तो हमने कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाला पार्ट पढ़ा था वेयर कोर बैंकिंग सोल्यूशन सॉफ्टवेयर इज नॉट अडॉप्टेड नो टी डी एस शैल बी डिडक्टेड इफ इंटरेस्ट पेमेंट बाई ईच ब्रांच डज नॉट एक्सीड फोर्टी थाउजेंड अदरवाइज ये फोर्टी थाउजेंड पेड बाय ऑल ब्रांचेस कंसिडर होगी क्योंकि अगर कोर बैंकिंग सोल्यूशन है तो मान लिया जाता है एक ही बैंक पेमेंट कर रही है चलो नेक्स्ट 194 नाइनटी फोर आए टी डी एस ऑन रेंट चलो कम ऑन एवरीबडी रेंट मस्ट एक्सीड टू लैक फोर्टी थाउजेंड स्पेसिफाइड पर्सन कभी भी रेसिडेंट को दे रहा yes. है टू लैख फोर्टी थाउजेंड के ऊपर टू परसेंट कितना बेटा टेन परसेंट यस बहुत बढ़िया बेटा रेंट नो टी डी एस ऑन रेंट पेड बाय कम बाई एनी ऑर्गेनाइजेशन टू बिजनेस ट्रस्ट बराबर एक केस लॉ है यहाँ पे जापान एयरलाइन का इस केस लॉ के तहत पूछा गया था लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस आर दे सब्जेक्ट टू टी अंडर वन आई और दे आर सब्जेक्ट टू टी अंडर वन सी इट वॉज हेल्ड दैट टी डी एस वुड बी अट्रैक्टेड अंडर वन नाइनटी फोर सी तो लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस जो होते हैं इस पे टी डी एस वन नाइनटी फोर सी में आता है याद करो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है विल टी डी एस बी डिडक्टेड ये अगर ये रिफंडेबल डिपॉजिट है तो टीडीएस इस पर डिडक्ट होता नहीं, नहीं। सारे पॉइंट डिस्कस हुए हैं ब्रू yes, चलिए नेक्स्ट ये यहां पे कुछ स्पेशल एडिशनल पॉइंट लिखे हैं ये पढ़े जा सकते हैं डोंट वरी अबाउट इट नेक्स्ट है वन नाइनटी याद आ रहा है क्या कंसिड्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोथ मस्ट एक्सीड फिफ्टी लैख टी डी एस विल भी एट द रेट ऑफ वन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच वर इज हायर याद होगा तो ट्वेंटी सिक्स क्यूबियन फॉर्म सिक्सटीन बी दिया जाता है इन द नेम ऑफ सर्टिफिकेट यस सेलर ज्वाइंटली ओन्स अ प्रॉपर्टी टीडीएस विल बी डिडक्टेड इवन इफ इच को ओनर शेयर इज लेस देन फिफ्टी लैख याद होगा तो इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए टैन लेने की जरूरत yes. नहीं है और कंसिडरेशन में पार्किंग चार्जेस वाटर चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सब मिलेंगे ठीक है yes. फिर याद करके देखिए वन नाइनटी बेटा वन नाइन्टी फोर आई बी बोलो पर्सनल रेंट अगर कोई भी इंडिविजुअल एचुअ किसी भी रेसिडेंट को दे रहा है एक्सीडिंग फिफ्टी थाउजेंड टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट फिर वन नाइन्टी फोर एले कोई भी पर्सन किसी भी रेसिडेंट को कंपलसरी एक्विजिशन के लिए दे रहा है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर गया कितना परसेंट टी डी एस बेटा टेन परसेंट हालांकि टी डी एस नहीं होगा इफ द लैंड इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्योंकि वो कैपिटल असेट नहीं है फिर है वन नाइनटी फोर एम पर्सनल पेमेंट्स। अच्छा याद होगा तो अब इसके लिए एक फॉर्म भरने की जरूरत है ट्वेंटी सिक्स क्यूसी यस विद इन बोल बेटा थर्टी डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच

इनके लिए कौन सा फॉर्म है बेटा फॉर्म ट्वेंटी सिक्स क्यू डी बताइए पर्सनल पेमेंट कितने लाख रुपए से होने चाहिए फिफ्टी लाख तो टीडीएस कितना बेटा फाइव परसेंट याद होगा तो वन नाइनटी फोर एम में भी टीडीएस डिडक्ट करने के लिए टैन नंबर की जरूरत नहीं है देखिए सारे वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी किया है बस रिविजन करते वक्त हाईलाइट कर रहे हैं ताकि हमारा एक और काम क्या हो जाए कंप्लीट टाइम सेव हो जाए और हम कंटेंट पे भी फटाफट फटाफट डिस्कस कर ले माई oh गाड चलो बहुत ज्यादा थियरी हाईलाइट ना हो जाए इसलिए भी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लें जस्ट टू गिव यू अ ब्रेक जस्ट टू गिव यू अरेक कम ऑन एवरी वन क्वेश्चन नंबर वन मैं अभी भी हाईलाइट करवाऊंगा पर ये बहुत ज्यादा बोर ना हो जाए इसलिए कुछ हाईलाइट करा दिया रुका दिया अब कुछ क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर लो फिर जाऊंगा हाईलाइट कराऊंगा एस लाइबिलिटी उम्मीद करता हूं अब तक आप शायद समझ ही जाएंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर स्टडी मॉड्यूल दिस वॉज ऑल्सो कवर्ड इन योर ओल्ड सिलेबस मॉड्यूल तो बताइए रेंट पेड फॉर हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाय बी लिमिटेड टू रमन टू पॉइंट वन लैक विल देयर बी टी डी एस वाई बिकॉज द रेंट डज नॉट एक्सीड टू लैक फोर्टी थाउजेंड वेट अ मोमेंट चलो ठीक है कौन सेक्शन की बात कर रहे थे हम यहां पर फोर आए नेक्स्ट फीस पेड टू डॉक्टर श्रीवात्सन थर्टी फाइव थाउजेंड फॉर सर्जरी परफॉर्म टू अम्बर ऑफ अ फैमिली थर्टी फाइव थाउजेंड विल देर बी टी डी एस और नो टी डी एस

यू लिसन टू मी तीस हजार के ऊपर नहीं यू लिसन टू मी तीस हजार के ऊपर नहीं जा रहा विल देर बी टी डी एस टू परसेंट टू परसेंट टू परसेंट विल देयर बी टेन परसेंट एब्सोल्यूटली करेक्ट फेंटास्टिक सेक्शन वन नाइनटी फोर जे परफेक्ट एक्स सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी टू वाई फॉर सिक्सटी लैक्स सपोज स्टैंप ड्यूटी दिया नहीं है तो हम हाल फिलहाल में कंसिडरेशन के साथ ही चलते विल देयर बी टी डी एस एट द रेट ऑफ अंडर सेक्शन प्रॉपर्टी से रिलेटेड दो ही सेक्शन है एल ए आई ए एल ए आई ए आई ए एल ए क्या है कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन ठीक है सो so, इस पर टीडियस आएगा अरे भाई साहब विनिंग फ्रॉम जैक पॉट इन अ हॉर्स रेसेज थर्टी परसेंट ठीक है लास्ट रेंट पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख बाय अ पार्टनरशिप फॉर्म हैविंग अ सेल्स टर्नओवर ऑफ 20 लाख एंड अ नेट लॉस ऑफ 15000 विल देर बी टीडीएस व्हाई द रेंट डज नॉट एक्सीड एक्ससीड 240000 एवरीबॉडी यस सर फिर वो नेट लॉस और टर्नओवर घुमाने के लिए दिया है बुलाती है मगर हम hmm, एग्जाम तक ना? मतलब एग्जाम के बाद क्या कर रहे हैं हम एग्जाम एग्जाम के बाद तो ठीक है ना मतलब जा पाएंगे चलो आ जाओ अब देखो टीडीएस को कैसे सॉल्व करे कि आपको मार्क्स मिले क्योंकि देख अल्टीमेटली ना कंसेप्ट के साथ साथ तेरे को यह भी पता होना बहुत जरूरी है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है डू यू अग्री अब देख इसका फॉर्मेट तू कैसे बना सकता है इसका फॉर्मेट तू बना दे पर्टिकुलर्स रुपीस नोट्स इसमें तो सब कुछ कर सकता है ठीक है अब पहला सेक्शन प्लीज मेरे को सेक्शन याद दिलाओ ना प्रॉब्लम नंबर वन सेक्शन 194 आए आई रेंट पेड बराबर है बताइए टीडीएस करना है क्या नहीं एस पर सेक्शन वन नाइंटी फोर आई सिंस द रेंट पेड डज नॉट एक्सीड रुपीज टू लैक फोर्टी थाउजेंड नो टी डी एस इज एप्लीकेबल बराबर बर। फिर हम बात करें सेक्शन हैं सेक्शन फोर सी पेड सॉरी मैं सीधा थर्ड वाला देख रहा था पेड टू डॉक्टर डैश एस पर सेक्शन 194 जे इफ पेमेंट इज मेड टू प्रोफेशनल एंड इफ पेमेंट इज मेड टू प्रोफेशनल एंड इट इज मेड फॉर पर्सनल पर्पज नो टी डी एस इज डिडक्टेड under section one ninety four J Further As per section one ninety four M Further As per section one ninety four M Since payment does not exceed बोलो बेटा फिफ्टी लैक्स नो टी डी एस इज रिक्वायर्ड ये एक साउंड आ रहा है वो इसका है क्या लाइट गई है क्या बाहर का है ना ठीक है बहुत दिमाग खराब हो जाता था मेरा एबीसी कंपनी लिमिटेड पेड 19,000 थाउजेंड टू वन ऑफ इट्स डिरेक्टर सेक्शन वन फोर जे पेड टू डायरेक्टर 19,000 थाउजेंड का टेन परसेंट हंड्रेड As per section one ninety four J TDS has to be made at the rate of ten per cent on any payment made to director as shitting fees. देखिए बेटर फॉर्मेट में सारी चीज आप एक्सप्लेन कर पाएंगे एग्जामिनर को कम स्ट्रेस आएगा और मार्क्स आपको ज्यादा आएंगे चौथा बोलो सेक्शन 194 आई ए बाइंग अ हाउस। बोलो सिक्सटी लाख का वन परसेंट कितना होता है बेटा टीडीएस डीएस शैल बी एप्लीकेबल एंड बायर शैल डिडक्ट टीडीएस सिंस कंसिडरेशन Also, assuming stamp duty value exceed rupees fifty lakhs. डे बेटा फिफ्थ पॉइंट वो जैकपॉट है हॉर्स रेसेस सेक्शन 194 डबल बी हॉर्स रेस विनिंग हॉर्स रेस विनिंग कितना है बेटा सिंस विनिंग

बोलो नेक्स्ट सिंस रेंट पेड डज नॉट एक्सीड रूपीज बोलो ज ए डन चलो बेटा शानदार दैट्स हाउ यू डिड विथ क्वेश्चन नंबर वन वाक्य चलो थोड़ा सा हाईलाइट पे और आओ। आई नो दिस इज लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग बट वी हैव टू डू इट बराबर है कि नहीं चैप्टर खत्म हो रहा है सालों खुशी मनाओ इतना बड़ा चैप्टर जो तुम ऑप्शन में डाल के जाते थे समझ में आया ना अगर मैं ये नहीं लेता ना तुमको मैंने ना बहुत स्मार्ट प्ले किया तुम्हारे साथ तुमको अगर समझ आया हो तो मेरे को बिल्कुल पता है कि तुम रुकोगे कब तक पी जी बी पी एन कैपिटल गेन पहले वो लेने का इच नहीं <laughs> टेंशन ही नहीं मेरे को मालूम है रुकना ही है उसके पहले तुमको वो सब करवा दो जहां तुम लैक करते हो सी आई एम नॉट द पर्सन हु नो सेल द रैंक मेरे से वो नहीं होगा शायद मेरी जरूरत ना उस बच्चे को ज्यादा है जो एक एवरेज बच्चा है जो वो नहीं कर रहा मैं वहां हिट करता हूँ तब जाके मास पास होगा समझ में आ रही क्या बात कई बार ऐसा होता है भाई वो रैंक 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 मेरे को एक बात बता कितने रैंक आते हैं एक लाख बच्चा दिए तो कितने रैंक आते हैं पचास आप रैंक आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है यू डिजर्व इट बट मेरे को एक बात बताइए कैन दिस बी अ सेलिंग पॉइंट द आंसर इज नो नेवर 2017 में ए आई वन कौन आया था किसी को याद है नहीं बराबर है कि नहीं और अगर सच में रैंक इतना मैटर करता है तो आप मेरी बात सोच के देखिए कि बिग फोर के तो सारे पार्टनर रैंक कर ही होने चाहिए डज नॉट मेक सेंस फिर तो बिग फोर के सारे पार्टनर रैंकर होने चाहिए फिर तो जितनी बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनी है जो होने वो रैंकर होने चाहिए बट मुझे एक बात बताइए, क्या सच में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट रैंक चार्टर्ड अकाउंटेंट विद रैंक, अ बिग डिफरेंस और बोथ पावर्स आर सेम <laughs> समझ में आएगा तुमको एक बात हमेशा अंडरस्टैंड करके रखो मेरी ज़रूरत मैं हमेशा मानता हूं उस बच्चे को है जिसको एवरेज बच्चा है क्योंकि वो बच्चा जेनविनली डिज़र्व करता है या एक मिडिल क्लास बच्चा मेरे साथ जरूरी डिजर्व करता है कि यार वो आए और वो पास हो और वो अपने घर का ही नहीं अपने पूरे खानदान का फॉर्चून बदल के रखते समझ में आ रही है क्या बात तो हम सबको एक शोर करना है कि इतनी प्रैक्टिस करना है इतना मेहनत करना है और एटलीस्ट उस एंगल पे ज़्यादा मेहनत करना है जिस एंगल पे हम पीछे रह जाते हैं और वो एंगल क्या है अगर मैं डी की बात करूं तो मैं तुमको पांच हेड पढ़ाऊंगा मेरे को मालूम है तुम पांच हेड के लिए रुकोगे और आधे से ज़्यादा जब मैं पढ़ाऊंगा तुमको वैसे ही याद रहेंगे पर ये वो सारे चैप्टर्स है आप देखो मैंने वो चैप्टर्स पहले उठा लिए मैं बोला ये पढ़ने ही नहीं वाला पहले इसको उठा चुपचाप पढ़ेगा ये फिर बीच में एक हेड डाल दूंगा फिर एक हाथ को डाल दूंगा क्योंकि आपको ये सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी किसकी है मेरी मेरे को मास पे फोकस करना है रैंक एक लाख में पचास आएगा बराबर है कि नहीं बट वो बच्चा जेन्यनली कैलिबर वाला बच्चा होता है इसमें कोई डाउट नहीं है और उसका रैंक आने में उसकी ज़्यादा मेहनत है मेरे से ये मैं बहुत फॉर्म बिलीव करता हूँ लेकिन वो एक लाख बच्चे में से पचास को हटा के जो तीस हज़ार बच्चा पास होता है ना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है जितना वो रैंक कर रखता है अग्री और डिसअग्री अग्री बराबर है आप फेल हुए कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फेल हुए या नहीं हुए कई बार ऐसा डिमोटिवेशन आता है पढ़ते वक्त कि साला फेल हो गए क्या हो जाएगा एक अटेम्प्ट लग गया दो अटेम्प्ट लग गया पांच अटेम्प्ट लग गया तीन अटैम्प वाले से तो तुम खुद पढ़ रहे हो बट <laughs> क्या यह मेरे को किसी चीज से पीछे रखता है क्या इंपॉर्टेंट है इज इट द स्किल विच इज मोर इंपॉर्टेंट और बींग समथिंग इज इंपॉर्टेंट स्किल यस मैं तुम्हारे को बताऊं नाम नहीं लूंगा एक रैंक है सर आर्टिकल शिप डमी सर जॉब तक नहीं मिल पाई जॉब तक नहीं मिल पाई एक रैंक करते पहले साल पैकेज मिला 62 टू अगले साल पैकेज उतार करके सात लाख पे ला लिया बिकॉज ही वॉज नॉट नोइंग YouTube पे है ये वीडियो देखना कभी नॉट नोइंग किम ही क्या करना है इससे होता क्या है अंडरस्टैंड आपकी वैल्यू रैंक से नहीं बढ़ेगी हाँ रैंक आपको एज जरूर देगा आगे बढ़ने के लिए हायर पैकेज क्लेम करने के लिए पर वैल्यू रैंकर की भी तभी बढ़ेगी वेन ही नोज करना क्या है और करना कैसे है समझ में आ रही बात तो हम सबको ये मेकश्योर sure करना है शूट फॉर द मून पूरा ट्राई करो कि हम रैंक लेकर के आएंगे और ऐसा नहीं है कि फेल होने के बाद रैंक नहीं आता अगर आपको नहीं पता है तो सी ए फाइनल में मैक्सिमम जितने रैंकर आते हैं ना उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको अटैम्प्ट लग चुके हैं इसके पहले और बाद में वो रैंक में आते हैं ऐसा नो तो रैंक को या फिर फेलियर को इधर ऑफ द केस दोनों भी केस में सर पे मत चढ़ाना मेहनत करनी है जेन्युइनली करना है हम लोग को इसमें कोई डाउट नहीं है पर आपका स्किल हमेशा काम करेगा और दूसरी बात एक बार जब आपका फेलियर का रिजल्ट आ जाता है ना हमेशा उस पॉइंट पे फोकस करो जिस टाइम पे आपने पहले नहीं किया आप फिर इस फास्ट ट्रैक में अगर वही गलती कर दोगे कि सिर्फ पांच हेड पे फोकस करोगे और बचे हुए चैप्टर को छोड़ के जाओगे दिस विल बी अ ब्लंडर अगेन बिकॉज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जिन सब्जेक्ट से ज्यादा फटती है पहले उस सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए ना कि उसमें जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि जिसमें आज इंटरेस्ट आ रहा है एक महीने बाद भी इसमें इंटरेस्ट बना ही रहेगा पर जिसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा फॉर दैट मैटर लेट्स से ऑडिट सब्जेक्ट कॉस्टिंग सब्जेक्ट है ना डीटी यस जिसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसको सबसे पहले करो और उसके भी जो सबसे हार्डेस्ट पोर्शन है उसको पहले करो क्योंकि दिस थिंग विल टेक टाइम अब सोचो तुमको अगर पता होता टीडीएस के अंदर में थर्टी सिक्स थर्टी सेवन सेक्शन पढ़ने तुम चालू पढ़ने से पहले छोड़ देते तुम पहले ये देखते इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और तुम बोल रहे अच्छा इतना ही है क्या चलो छोड़ो चलिए आज बात निकली है तो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिखा देता हूँ कौन सी चीज के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है सरप्राइजिंगली मैंने बस बिल्कुल नए बैच के लिए लिखा ही है तो तुमको भी दिखाई देता हूँ आप सभी का जो नया मॉड्यूल है डी का वो दो मॉड्यूल है ये सब मैं मई नवंबर 24 वालों के लिए बोल रहा हूँ आपका डी का मॉड्यूल दो पार्ट में डिवाइडेड है मॉड्यूल नंबर वन में दो सेक्शन है सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन वन में दो चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिक्स इसी में एग्रीकल्चर भी आ रहा है बस उसको अब चैप्टर नहीं बनाया बेसिक में इंक्लूड कर दिया ये एग्जाम में आपका 10 से 20 परसेंट का वेटेज रखता है हेड्स ऑफ इनकम आपके 25 से 30 परसेंट के वेटेज रखते हैं कितना? 25 से 30 परसेंट के वेटेज रखते हैं फिर आता है सेक्शन थ्री क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शन ये 15 से 20 परसेंट के रखते हैं फिर आता है एडवांस टैक्स टी डी एस से बीस परसेंट का वेटेज रखता है और फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बीस से पच्चीस का वेटेज रखता है आपका टोटल टैक्स का डिवीजन है फिर एक बार याद दिला दूं, डीटी और आईडीटी का पेपर अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है ब्लैक कलर से सॉल्व करना पड़ता है डीटी का आईडीटी में डाला या आईडीटी का डीटी में डाला तो बस वही होगा कि गलत प्लग अगर गलत जगह इंसर्ट हो गया तो कनेक्शन नहीं हो पाएगा सिंपल है ना गंदे लोग सिंपल है तो कई बच्चे पेपर लिखने के बाद मेरे को मैसेज करते सर हम लोग वो, वो जीएसटी में मैं लिख के आगे डी टी का मेरे को मार्क्स मिलेंगे ना अब अगर मैं उसको बोलूँ नहीं मिलेंगे तो अगला पेपर वो आज ही नहीं लिखना और अगर मैं बोलूँ कि मिलेंगे तो मैं उसको झूठ बोल रहा हूं <laughs> तो फिर इसको क्या करना चाहिए मैंने सीन जोन नेक्स्ट मैसेज आएगा सर ये क्या बात हुई एडमिशन लेते वक्त तो आपने बोला था कोई भी क्वेरी आएगी तो पूछने का यही करना था क्या सर आई विल नॉट बी एबल टू रिकमेंड यू टू एनी फर्दर स्टूडेंट्स दिस इज नॉट राइट सर आई हैव पेड द फीस आई एम ऑल्सो पेड स्टूडेंट अब अंडरस्टैंड करो बरे है इसी को कहा जाता है एथिकल डिलेमा <laughs> इसी को क्या कहा जाता है एथिकल डिलेमा अब ना मैं उसको सही सच्चाई बता सकता हूं ना मैं उससे सच्चाई छुपा सकता हूं और मैं फंस गया बीच में मैं सीन जोन भी नहीं कर सकता तो फिर ऐसे केस में मुझे उसको बोलना पड़ता बेटा ये सारी बातें छोड़ चुपचाप अपना पेपर लिख नेक्स्ट पर सर मिलेंगे या नहीं एग्जामिनर की लिनियंसी पर डिपेंड करता है सेफ साइड अभी मेरे को क्या मालूम ना भाई क्या ये चीज होगी फिर से आपको याद दिला दू D T ना I D T 150 50 मार्क्स मिला करके कितने बन रहे हैं 100 जिसमें से 30 परसेंट क्या आएगा M C Q बचावा 70 परसेंट क्या होगा डिस्क्रिप्टिव मतलब D T में 15 मार्क के M C Q है और G S T में 15 मार्क के M C Q है याद रखना मालिक चलो आ जाओ बेटा T D S Q पर वापस सेक्शन 193 चलो याद करके देखो 193 पे 5000 और अगर ये सेवन एंड हाफ परसेंट एट परसेंट याद आ रहा है क्या उसके लिए कितना लिमिट है टेन थाउजेंड टी डी एस विल बी एट द रेट ऑफ टेन परसेंट सो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ किसी भी रेसिडेंट को अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं कंपनी एक्सीडिंग फाइव थाउजेंड लोकल अथॉरिटीज़ एक्सीडिंग टेन थाउजेंड टी डी एस विल बी एट द रेट ऑफ टेन परसेंट कोई टी डी एस नहीं अगर ये इंटरेस्ट एल आई सी को दिया जा रहा है प्रोविडेंट फंड को दिया जा रहा है इंटरेस्ट जो पे हो रहा है वो डी फॉर्म में पे हो रहा है यस इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा दिया जा रहा है या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा दिया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मींस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी फॉर मनी इश्यूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ लोकल अथॉरिटी कंपनी कॉरपोरेशन स्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट फिर आता है 194 एन क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चलो याद कर देखो विड्रॉल कितने से ऊपर का होना चाहिए एक करोड़ अगर यह विड्रॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है तो अमेंडमेंट कितना है थ्री करोड़ यस अगर सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा फॉर द लास्ट थ्री ईयरस ट्वेंटी लैक्स से ऊपर गया तो टू परसेंट और अगर वन करोड़ के ऊपर गया तो फाइव परसेंट याद आ रहा है एवरी बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव पोस्ट ऑफिस पे कर रही है किसी भी पर्सन को विड्रॉल एक्सीड कर रहा है वन करोड़ से टीडीएस होगा एट द रेट ऑफ टू परसेंट हाउ एवर रिसंट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है लिमिट वन करोड़ की जगह थ्री करोड़ अमेंडमेंट इफ रिसिपियंट हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर द लास्ट थ्री प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग ट्वेंटी लैक्स टू परसेंट एक्सीडिंग वन करोड़ फाइव परसेंट टी डी एस नहीं होने वाला इफ पे इज गवर्नमेंट बैंक पोस्ट ऑफिस बैंकिंग करस्पॉन्डेंट वाइट लेबल ए टी एम ऑपरेटर कुछ पाँच छः सात अदर पॉइंट भी है क्या एजेंट किसका ए पी एम सी का बराबर है ऑर्थराइज डीलर ऑफ ऑफ फॉरेक्स एजेंट ऑफ वाइट लेबल ए टी एम ऑपरेटर्स वर्ल्ड मॉट याद रहेगा अदर पर्सन एज में बी स्पेसिफाइड अदर स्पेसिफाइड। फिर है बेटा फोर आर बेटा आर जरा याद करके देख अराइजिंग इन केस ऑफ अ बिजनेस। याद है ना अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन रेसिडेंट को देता है एक्सीडिंग ट्वेन थाउजेंड टी डी एस एट द रेट ऑफ टेन परसेंट ऑन द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट ऑर परक्विजिट ऑन द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट ऑर परक्विजिट यस वेदर कन्वर्टेबल इंटू मनी और नॉट वेदर कन्वर्टेबल इंटू मनी और नॉट यस फिर स्पेसिफाइड पर्सन का डेफिनेशन तो वही है जो हमने देखा था इससे रिलेटेड बराबर 194 Q अब तक हमने डिस्कस किया नहीं 192 A भी नहीं किया 192 भी नहीं किया ये yes सुनो no? और वन नाइन्टी भी नहीं किया ये करते ही हमारा क्या ख़त्म हो जाएगा टी डी एस ठीक है टी सी एस बचेगा वो हो जाएगा आज डोंट वरी अच्छा चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन करो फिर और प्रोविजंस पढ़ेंगे चलो प्रॉब्लम नंबर टू फॉर्मेट आपको दिया है डिटेल्स आपको दिए फट से सॉल्व करो चलो जल्दी बाय दिस टाइम आपके चारों आंसर आ जाने चाहिए लिख के नहीं हुआ होगा पर चारों आ तो गए होंगे पहले का आंसर 194 डबल बी एट द रेट ऑफ 30 परसेंट गुड नेक्स्ट आंसर 194 सी एट द रेट ऑफ 1 परसेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर लिखा है पर सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है ये नहीं बताया है तो हम अज्यूम कर रहे हैं इंडिविजुअल और वन परसेंट कर रहे हैं ठीक है हालांकि आप टू परसेंट का जम्शन लेके भी सॉल्व करोगे तो सही है थर्ड यस टीडीएस यस यस वन नाइनटी फोर आई ये टीडीएस यस टीडीएस नो टी डी एस बिकॉज द रेंट ओके लास्ट ओ पेमेंट मेड टू पॉन्टिंग अंडरस्टैंड वन नाइनटी फोर जे में नहीं आएगा रीजन नॉन रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है इसके लिए एक सेक्शन आता है वन नाइनटी फोर ई फाइव नहीं आता, इसके आता है इसके लिए फोर ई लिखेंगे फिर पढ़ भी लेंगे तुरंत ही चलो आओ चलो आओ बनाओ फट से पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज नोट्स मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं फटाफट पर्टिकुलर्स रुपीज नोट्स पहला सेक्शन वन नाइन्टी फोर डबल बी सेक्शन वन नाइनटी फोर डबल बी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड लिखिए एज पर सेक्शन वन नाइन्टी फोर डबल बी एस पर सेक्शन वन नाइन्टी फोर डबल बी इफ विनिंग एक्सीड इफ विनिंग एक्सीड टेन थाउजेंड इफ विनिंग एक्सीड टेन थाउजेंड TDS at the rate of 30% is applicable TDS at the rate of 30% is applicable is that done नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सेक्शन 194 सी पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट फोर थाउजेंड टू हंड्रेड Next, if the payment for subcontract, if the payment for subcontract in aggregate exceed rupees one lakh, in aggregate exceed rupees one lakh. टीडीएस एट द रेट ऑफ वन परसेंट इज एप्लीकेबल टीडीएस एट द रेट ऑफ वन परसेंट इज एप्लीकेबल उसी के नीचे ब्रैकेट में लिखिए वी एज्यूम द पे इज इंडिविजुअल next section 194i rent paid section 194i rent paid dash since the rent payment does not exceed 240000 since the rent payment do not exceed लैख फोर्टी थाउजेंड नो टी डी एस इज एप्लीकेबल डन नेक्स्ट लिखिए सेक्शन वन ई नेक्स्ट लिखिए सेक्शन वन ई पेमेंट टू एनआर स्पोर्ट्समैन पेमेंट टू एनआर स्पोर्ट्समैन फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड टी डी एस कॉलम में लिखिए फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड कैसे आया दो मिनट में बता रहा हूं उसी के आगे लिखिए एस पर सेक्शन वन नाइनटी फोर ई एज पर सेक्शन वन नाइनटी फोर ई where a payment is made to non resident sportsmen where a payment is made to non resident sportsmen tds at the rate of 20% is applicable tds at the rate 20% is applicable पाँच हजार दो सौ नहीं आ रहा राइट right, आपका क्या गड़बड़ हो रहा होगा हाँ मास्टर ने गलत पढ़ाया है कुछ तो मास्टर ने लिखाया गलत है कि आप कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे यस सिंस द पेमेंट इज मेड टू एन आर एच ई सी इज मैंडेटरी ब्रैकेट में लिखो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट 20.8% परसेंट दैट इज ट्वेंटी परसेंट प्लस फोर परसेंट यस एच ई सी मैंडेटरी हो जाएगा एन आर हो. बराबर है. थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिक्स 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 मिक्स. अब देखो जितनी चीजें अपन ने पढ़ी उनमें से मेजर सेक्शंस के प्रोविजन हमने आज ही पढ़ लिए. ठीक है. है चलो बढ़ते आगे बड़ू क्या मालिक भाऊ भाऊ हम्म ओके व्हाट इज द लास्ट सेक्शन वी डिड वन नाइन्टी फोर एन चलो बचे हुए प्रोविजंस खत्म करते हैं टीडीएस के सबसे पहला आता है सेक्शन वन नाइन्टी फोर ई पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन पब्लिक एंटरटेनर देखो अगर किसी भी पर्सन ने किसी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को पेमेंट किया नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर को पेमेंट दिया नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट दिया या नॉन रेसिडेंट एथलीट को पेमेंट दिया एनी पेमेंट टी डी एस ऑफ ट्वेंटी परसेंट इफेक्टिवली ट्वेंटी परसेंट प्लस सुर इफ एनी प्लस एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट प्लस एच ईसी एट द रेट ऑफ फोर ई अभी अभी हमने इस प्रॉब्लम भी सॉल्व किया अब सीधा सीधा एग्जाम्पल मान लो मुंबई इंडियन ने लसित मलिंगा को पेमेंट किया किसको बेटा लसित मलिंगा को पेमेंट किया अब क्या वो नॉन रेसिडेंट है यस वो आए राइट उन्होंने यहाँ पे नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को पेमेंट किया इस केस में टी जो होगा ये ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट होगा अमाउंट अगर लाखों या करोड़ों में जारी होगी एज द केस में भी तो अकॉर्डिंगली इस पर सरचार्ज भी लग जाएगा एवरी ठीक yes. है चलो अच्छा ये पेमेंट इनको किया क्यों जा रहा है ऐसा नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर इनको पेमेंट करते क्यों है क्या करना चाहिए कौन सी सर्विस देनी चाहिए भाई इनने आपके मन में यह सवाल आना चाहिए क्योंकि सेक्शन भी बोलता है ये सवाल बराबर है तो फॉर सर्विसेज लाइक पॉइंट नंबर वन एडवर्टीजमेंट्स वो आए इंडिया में एडवर्टीजमेंट किया उन्होंने लेट्स लसित मलिंगा ने फिशर का एडवर्टीजमेंट किया बराबर है एडवर्टीजमेंट किया पेमेंट किया आपने सेकेंड न्यूज आर्टिकल दिया तीसरा इंटरव्यूज प्रोवाइड किए क्या प्रोवाइड किए बेटा इंटरव्यूज तो इन तरीके के पेमेंट को रिलेटेड क्या होते हैं वन फोर ई कवर होता है ठीक है मालिक चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं द नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग थ्रू इज हाँ जी हाँ शॉर्टकट भी लिख दो जाओ जल्दी बरे बरे, आ जाइए टीडीएस ऑन पेंशन आ जाइए टीडीएस ऑन पेंशन अभी जरा समझिए ये टीडीएस भी है और एक exemption भी है सीनियर सिटीजन को रिटर्न ना फाइल करने के लिए यस अब मेरे को एक बात बताइए अगर कोई सीनियर सिटीजन है अब देखिए पता नहीं लॉ मेकर को क्या सूझी क्या उसके दिल में समाई और उसने ऐसी प्रोविजन बनाई सर इस सेक्शन में सीनियर सिटीजन का मतलब सेवेंटी फाइव ईयर जबकि पूरे इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन का मतलब होता है सिक्सटी ईयर इस सेक्शन में सेवेंटी फाइव ईयर को हम सीनियर सिटीजन मानते हैं अब सेक्शन क्या कहता है जरा समझिए सीनियर सिटीजन को मोस्टली कौन सी इनकम आती है एक पेंशन और दूसरा इंटरेस्ट तो अब बैंक को क्या कहा गया है जरा समझिएगा बैंक कोऑपरेटिव पोस्ट ऑफिस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सीनियर सिटीजन है दैट इज सेवेंटी फाइव एंड अबाव इनको अगर पेंशन इनकम आ रही है और इनके इंटरेस्ट इनकम को मिलाओ इसमें से जो भी एलिजिबल डिडक्शन है वो माइनस करो एंड वॉट एवर इज द टैक्स कमिंग ये टैक्स आप क्या करो डिडक्ट कर दो और इस तरह से अगर बैंक ने टैक्स डिडक्ट कर दिया अंडर सेक्शन वन पी तो फिर सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है मतलब एक ही चीज से टीडीएस और रिटर्न दोनों के कंप्लायंस किए गए आपका ध्यान नहीं है फिर से सुनिए अगर कोई सीनियर सिटीजन है सीनियर सिटीजन मतलब 75 फाइव ईयर्स और अबाव तो अगर बैंक कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस है इनको बोला गया कि देख सीनियर सिटीजन है जनरली अब उन 75 प्लस वाले से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उठ के किसी प्रोफेशनल के पास जाए उसको अपना सब कुछ बताए जबकि मेजरली इनके पास आने वाली इनकम कितनी है दो तो उनको कहा गया कि आप क्या करो बैंक को पोस्ट ऑफिस जो भी इंटरेस्ट या पेंशन आता है वो आता तो तुम्हारे पास ही है बैंक में राइट क्योंकि सीनियर सिटीजन जनरली वो कैश विदड्रॉ नहीं करतेज ए नीड तो वो पैसे का करो तुम सीनियर सिटीजन को लो उससे कुछ अदर इंफॉर्मेशन ले लो इनकम की उसके कुछ एलिजिबल डिडक्शन होंगे वो माइनस कर लो इन शॉर्ट बैंक को ही बोला उनका टैक्स कैलकुलेट कर दो और जितना टैक्स आ रहा है उतना टैक्स डिडक्ट कर दो द मूवमेंट आपने टैक्स डिडक्ट कर दिया सामने वाले को कम्युनिकेट कर दो अब सामने वाले को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है समझ में आ रही है बात तो टीडीएस के तहत एग्जामेशन ऑफ रिटर्न का भी क्या दिया गया है प्रोविजन दिया गया है तो चलो आओ अगर कोई भी स्पेसिफाइड बैंक बराबर है हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड बैंक हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके बिहाफ पे है यस सीनियर सिटीजन तो कोई भी स्पेसिफाइड बैंक अभी स्पेसिफाइड बैंक का मतलब क्या है शेड्यूल्ड बैंक हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन एंड आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन रिबेट अंडर सेक्शन एटी ए कंप्यूट टोटल टैक्स If tax is deducted under section one ninety four P by bank senior citizen would not be required to file RY. Senior citizen means an individual, means a resident, age of seventy five or above, having pension income. Furnish declaration to bank. बेटा तो देखिए शेड्यूल बैंक की रिस्पांसिबिलिटी है जो भी उनके सीनियर सिटीजन है मतलब रेसिडेंट जिसको क्या आ रही है बेटा पेंशन इनकम इनकम राइट एंड अदर हैज बीन गिवन इन द डिक्लेरेशन बाय द सीनियर सिटीजन इसमें से डिडक्शन माइनस कर रिबेट माइनस कर जो भी टैक्स आया टैक्स निकाल टैक्स उतना अमाउंट क्या कर ले डिडक्ट कर ले ऐसा अगर बैंक ने कर दिया तो सीनियर सिटीजन को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं।, नहीं है क्लियर है मालिक चलिए हाँ जी पेनल्टी का कोई काम नहीं ना ये तो वॉलेंट्री कंप्लायस है अगर मान लो उन्होंने नहीं दिया इन्फॉर्मेशन तो अल्टीमेटली होगा क्या ही नीड्स टू फाइल रिटर्न पेनल्टी का काम क्या है ही नीड्स टू फाइल रिटर्न जो अदरवाइज भी था शिफ्ट हो गया बस किसके ऊपर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हाँ जी सर उस केस में डबल टी होने का कोई स्कोप ही नहीं बचता और मान लीजिए एम्प्लॉयर ने टी काट के पेंशन दिया लेट्स एक्सेप्ट एम्प्लॉयर ने टी डी काट के क्या दिया पेंशन दिया तो भी इस केस में क्या होगा बैंक जो होगी अंडरस्टैंड कीजिएगा बैंक जो होगी आपकी अदर इनकम भी मिलाएगी टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकालेगी इसमें से टी जितना आपने क्रेडिट किया है वो माइनस कर देगी नेट बैलेंस और डिडक्ट कर लेगी इनका रिटर्न बनने का काम नहीं तो अगर इस केस में मान लेते हैं कि एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया है टीडीएस डिडक्ट कर दिया है तो वो तो क्रेडिट बोल के ही मिलना है कोई तकलीफ ही नहीं है बस हां अब ऐसे केस में एक और सिचुएशन मान लो कोई अदर इनकम है ही नहीं तो बैंक क्या करेगा बैंक नहीं करेगा एंड फॉर दैट मैटर एक और चीज होगी खुद क्या होगा सीनियर सिटीजन ही बैंक को बोल देगा यू डू नॉट डिडक्ट टीडीएस यू डू नॉट डिडक्ट टीडीएस टीडीएस इज ऑलरेडी मेड समझ में आ रही बात सेक्शन चलो बेटा नेक्स्ट हाँ जी uh, जो अपने uh, ये वाले हैं मतलब आप नए रेट्स बोल रहे हो वो मतलब 115 बीएससी वाले ना अगर सीनियर सिटीजन 115 बीएससी को ऑप्ट करता है मतलब अब डिफॉल्ट स्कीम में तो बिल्कुल वो रेट अप्लीकेबल होंगे अगर वो पेन नहीं देते तो वो बिल्कुल हो गई ना वो तो सबके लिए कॉमन है ना सबके लिए कॉमन है बेटा वो चलो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं सेक्शन 192 ए अच्छा एक मिनट जाओ शॉर्टकट में जाओ शॉर्टकट में जाओ पहले हम्म करो फिल करो फटाफट मेरे लिए क्यों रुके हो फटाफट फिल करो 194 नाइनटी फोर टी डी एस पेंशन चलो 192 ए बेटा 192 ए टीडीएस ऑन अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ ईपीएफ टीडीएस ऑन ईपीएफ अब सुनो इसको आपने नहीं लिखना सीधा शॉर्टकट में लिखना ये अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑन ईपीएफ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड जो होता है इस प्रोविडेंट फंड को मेंटेन करते हैं ट्रस्टी इस प्रोविडेंट फंड को कौन मेंटेन करते हैं ट्रस्टी बराबर है बरे बरे, अगर प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है ये विड्रॉ हो रहा है और ये फिफ्टी से ज़्यादा का है तो टी डी एस हैज़ टू बी मेड एट द रेट ऑफ टेन परसेंट टी डी एस हैजू बी मेड एट द रेट ऑफ टेन परसेंट क्लियर है मालिक राइट right? अच्छा लेकिन आप जानते हैं अगर ये आर पी एफ है तो ये फाइनल अमाउंट क्या होता है एग्जाम अगर पांच साल का सर्विस पूरा हुआ है या पांच साल के पहले जो सर्विस है ये विड्रॉ हुआ है किस वजह से इलनेस याद आ रहा या या है क्या या ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट या ट्रांसफर टू एनपीएस अकाउंट अगर रिसीवेबल अमाउंट ही एग्जाम तो टी डी होने वाला गुड सीधा शॉर्टकट में जाओ वन ए सीधा शॉर्टकट में जाओ वन नाइनटी टू ए accumulated balance on epf exceeding 50000 10% लास्ट में लिख दो इफ ईपीएफ अमाउंट इज एग्जाम नो टीडीएस वुड बी रिक्वायर्ड अगेन एक ऑल्सो नॉट सो इंपॉर्टेंट सेक्शन है टीडीएस ऑन सैलरी टीडीएस ऑन सैलरी क्या आप जानते हैं एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर एम्प्लॉय का सैलरी क्या एक्सीड करता है बेसिक एक्जम्पन लिमिट तो क्या उनको टी करने की जरूरत है येस टी डी एस कौन से रेट पर होगा ऑन एवरेज रेट ऑफ़ टैक्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय की टोटल इनकम निकाली जाएगी डिडक्शन माइनस किए जाएंगे रिबेट एवरीथिंग माइनस किया जाएगा उनका टैक्स निकाला जाएगा टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ये बनेगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स और इस पे उनका हर मंथ सैलरी से क्या किया जाएगा टी डिडक्ट किया जाएगा ये yes सोनो no? तो अगेन क्या होता है जरा समझिए प्रैक्टिकल लाइफ में आर्टिकल चिप में आपको क्या करना है ये समझना सबसे पहले एम्प्लॉय का क्या किया जाएगा टोटल इनकम निकाला जाएगा बराबर है अब एम्प्लॉय क्या अपनी अदर इनकम एम्प्लॉयर को दे सकता है यस yes. अब वो अपनी अदर इनकम एम्प्लॉयर को दे सकता है क्या लॉसेस की भी इंफॉर्मेशन वो दे सकता है यस yes. लॉसेस की भी इंफॉर्मेशन वो दे सकता है अब ऐसे केस में ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी एम्प्लॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो को सारी डिटेल क्या बेटा प्रोवाइड, इंक्लूडिंग अगर उसने कोई LIC लिया है, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है जो जो भी उसको 80, में क्लेम करना है वो सारी चीजें देगा एम्प्लॉयर इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेगा एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकाला जाता है टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम बट आज तक कभी भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं क्लियर है मालिक अच्छा अब एक से ज्यादा एम्प्लॉयर हो तो तो अब एम्प्लॉय किसी भी एक को बोल सकता है टू डिडक्ट द टैक्स ऑफ बोथ टू डिडक्ट द टैक्स ऑफ बोथ ये होता है क्लियर है मालिक अच्छा जब हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते रहेंगे या टोटल इनकम कैलकुलेट करते रहेंगे क्या इसमें परक्विजिट भी काउंट होता है ऑब्वियसली ये yes. इनका टोटल सैलरी काउंट होता है क्या काउंट होता है बेटा टोटल सैलरी काउंट होता है सो सेक्शन वन टू लिखो बेटा सेक्शन वन टू टीडीएस ऑन सैलरी टीडीएस ऑन सैलरी इफ सैलरी एक्सीड बेसिक एक्समेशन लिमिट if salary exceed basic exemption limit average rate of tax average rate of tax इज आ डन चेक करो सर नोट्स देखिए नोट्स देखिए सबसे पहले 192 ए टी डी एस ऑन अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ ईपीएफ ट्रस्टी एम्प्लॉय को देगा इफाउंट एक्सिट फिफ्टी थाउजेंड कितना परसेंट बेटा टेन परसेंट एग्जम्पन फ्रॉम टी डी एस इफ विड्रॉल इज आफ्टर फाइव ईयर्स इफ़ विडड्रॉल इज बिफोर फाइव ईयर्स एंड एम्प्लॉय ऑप टू ट्रांसफर द एक्यूमुलेटेड बैलेंस टू न्यू एम्प्लॉयर और टर्मिनेशन इज ड्यू टू इल हेल्थ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया पढ़ा है फिर आता है वन नाइनटी टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टी डी एस डिडक्ट करेगा इफ एनुअल सैलरी एक्सीड्स बेसिक एग्जम्शन लिमिट अब आपको पता है क्या होता है रियल लाइफ में ऐसा होता है क्योंकि देखिए एम्प्लॉय कुछ ऐसे हो सकते हैं विच आर ऑप्टिंग फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी कुछ ऐसे हो सकते हैं विच आर नॉट ऑप्टिंग फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी अब आप भी समझिए आप जब जॉब पे जाएंगे आपको ईयर के स्टार्ट में ही एम्प्लॉयर को बताना पड़ता है डिक्लेरेशन दे करके कि आप क्या ऑप्ट कर रहे हैं और उस हिसाब से फिर आपका टी डी एस कैलकुलेट होता है साल भर का समझ में आ रही बात ये आपकी जिम्मेदारी है उनको बताने की नहीं तो वो अपने हिसाब से जो फिर कॉमन कॉमन एम्प्लॉय पॉलिसी होगी वो उस हिसाब से डिडक्ट कर देंगे ओके okay. रेट क्या है बेटा इनकम टैक्स हैज़ टू बी कैलकुलेटेड एट एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट इन फोर्स फॉर द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर ऑन एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ दी वेयर एम्प्लॉय इंटीमेट्स टू एम्प्लॉयर Intention to exercise the option of shifting out of the default scheme. At average rate of income tax means the rate arrived by dividing income tax by total income. Income tax by total income. a deductor being employer has to seek information from each of its employee having income under 192 regarding their intended tax regime and each such employee would intimate the same to deductor being his employer regarding the intended tax regime for each year and upon intimation the deductor has to compute his total income and deduct tax at source thereon according to the option exercised अब पिछले साल तक के बुक में नहीं दिया था इस साल ये क्या कर दिया है एड जो मैं आपको बोल रहा हूं कि उनको लिख करके देना पड़ेगा कि वो कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं यस इफ इंटीमेशन इज नॉट मेड बाय एम्प्लॉय इट वुड बी प्रिज्यूम दैट एम्प्लॉय कंटिन्यू टू बी इन द डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूम अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी अब जो आप शॉर्टकट बना रहे हैं टेबल उसमें जाके लिखिए जो शॉर्टकट टेबल है उसी में लिखिए रिमार्क्स में ही एम्प्लॉ शैल कम्युनिकेट एम्प्लॉयी शैल कम्युनिकेट हिज ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग और नॉट इन द डिफॉल्ट स्कीम If not opted, assume hundred and fifteen BAC. Is that done? ये बाद में वापस परक्विजिट वाला पॉइंट है टोटल उसके अंदर में क्या किया जाएगा कंसिडर नीचे आइए टी डी एस ऑन परक्विजिट एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग परक्विजिट मे एट इज ऑप्शन टैक्स द होल और पार्ट ऑफ द परक्विजिट विदाउट एनी डिडक्शन जैसे अब देखिए ये क्या है आप सभी को पता है परक्विजिट्स में से कुछ कई जगह पे डिडक्शन मिलते हैं यस yes? अब एम्प्लॉयर के पास ये ऑप्शन है या तो वो होल परक्विजिट पे टैक्स कर दे या तो वो डिडक्शन माइनस करने के बाद वाले अमाउंट पे टैक्स करे लॉजिकली प्रैक्टिकली ऐसा होता है डिडक्शन माइनस करने के बाद वाले अमाउंट पे होता है टी डी एस बायप्लॉयर बींग एन एलिजिबल स्टार्टअप अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप है और आप क्या इशू करते हैं बेटा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब ई e सॉप अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप है और आप क्या इशू करते हैं ई सॉप आपको यह डिस्कशन याद है हम लोगों ने किया है सैलरी में कि उस पर जो टैक्स होता है वो कब होता है बेटा फोर्टीन डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फोर्टी नाइन मंथस फोर्टीन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच सिक्योरिटीज और फोर्टीन डेज फ्रॉम द डेट ही सीज टू बी अम्प्लॉय ये हमने ऑलरेडी सैलरी में डिस्कस कर लिया इज अक्ट वेयर अस एसी इज एम्प्लॉइड विद मोर देन वन एम्प्लॉयर ही मे फर्निश द डिटेल टू वन ऑफ द सेड एम्प्लॉयर एज द एसे चूज एंड देयर अपॉन सच पर्सन शेल टेक इन टू अकाउंट द डिटेल सो फर्निश्ड एंड डिटेट द टी डी एस अकॉर्डिंगली एवरीबडी एम्प्लॉयर फर्निश करेगा एक कंप्लीट पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ परक्विजिट्स टू एम्प्लॉय स्पेसिफाइंग कौन सा सम है कितना टैक्सेबल और उसने कितना डिडक्ट किया और इसी चीज़ को हम कहते हैं फॉर्म नंबर सिक्सटीन इसी चीज़ को हम कहते हैं फॉर्म नंबर सिक्सटीन जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पूरी डिटेल्स ला करके देता है आप सैलरी में जो फॉर्मैट बना रहे हैं ना वो फॉर्मैट और कुछ नहीं फॉर्म सिक्सटीन का फॉर्मैट है आप जो सैलरी में फॉर्मेट बना रहे हैं ना वो फॉर्मेट और कुछ नहीं किसका फॉर्मेट yes. है बेटा सैलरी फॉर्म सिक्सटीन का यस चलिए उसी के नीचे वन नाइनटी फोर पी भी लिखा है स्पेसिफाइड बैंक शेड्यूल बैंक किसी भी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन मतलब कौन सेवेंटी फाइव ईयर और मोर हैविंग पेंशन इनकम ये सो एंड नो अदर इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम एनी अकाउंट मेंटेन बाय सच इंडिविजुअल इन द सेम स्पेसिफाइड बैंक टी डी एस का होगा बेटा रेट इन फोर्स रेट इन फोर्स का मतलब क्या होता है टोटल इनकम निकाल टोटल इनकम में से डिडक्शन एंड रिबेट माइनस कर जो टैक्स आ रहा है वो रेट इन फोर्स हा तो वन नाइनटी टू भी डन वन नाइनटी टू ए भी डन आई गेस सिर्फ लास्ट सेक्शन बचता है लास्ट सेक्शन वन नाइनटी फोर क्यू हाँ सर क्या ये काम का है <laughs> ये काम का नहीं है तो फिर तो धरती पे कुछ भी काम का नहीं है ऐसा हो जाएगा तो भाई साहब टीडीएस का लास्ट सेक्शन वापस पढ़ के ईमानदारी से बताओ ऐसा लग रहा ना काश पास हो जाते तो अच्छा होता अभी इसके बाद में 94 डीए भी बाकी है ये सेकेंड लास्ट सेक्शन है सर आपने तो अभी बोला था लास्ट चीटिंग है सर ये टेस्ट कर रहा था तुम्हारा मुंह देख के आओ आप उनमें कभी कभी ऐसा भी सर आपको बोर नहीं होता क्या ईमानदारी से बहुत होता है अभी मैं एक ही सब्जेक्ट को दिन में तीन बार पढ़ा रहा हूं पहले रेगुलर बैच को पढ़ा रहा फिर फास्ट्रैक को पढ़ा फिर वही फाइनल वालों को पढ़ा रहा सोच करके देखो और तीनों जगह अलग अलग चैप्टर चल रहे हैं और तीनों जगह बच्चों का कैटेगरी अलग पूछो कैसे अब फाइनल वाले जो है ये बेचारे आर्टिकल शिप से थके हुए आते हैं मैं कैटेगरी बताता तुमको जरा दो मिनट के लिए फ्रेश हो जाओ ठीक है फाइनल वाला जो आता ना वो पहली बात तो आर्टिकल शिप से थका हुआ आता ठीक है जो फाइनल का बच्चा है ना वो वैसे ही पूरी दुनिया छोड़ चुका है मेरा बात समझना अभी तुम कैसे हो गए तू कुछ भी कर ले मैं मेरा शरीर ला रख चुका हूँ ये ले इसके साथ जो करने का को चार घंटे बैठाना है वैसे हमारे को कोई काम नहीं है जो थी वो मिल नहीं रही <laughs> बरे है और मैं पास हो नहीं रहा तो ये मेरा शरीर है तो अब कितने देर बैठाना है बैठा ले फाइनल वाला बच्चा पहली बार तो बेचारा आर्टिकल चिप से आता आर्टिकल चिप से आने के बाद ना शाम में छ सात बजे बैच शाम में उसकी हालत पता है कैसी देर इज नो अदर एक्सप्रेशन इन इस फेस ठीक है अब वो बेचारे के साथ दुनिया की प्रॉब्लम चल रही वो आर्टिकल चिप से परेशान वो अपनी हेल्थ से परेशान अटम लग रहे उससे परेशान घर वाले बोल रहे कब से ये बन रहा वो आदमी को पैसा नहीं मिल रहा दुनिया भर के जीवन में थोट है पर कुछ कर नहीं पा रहा राइट हर जगह से परेशान बेचारा अब वो इतना परेशान हो चुका है कि वो साइलेंट हो जाता वो बेचारा बैठ रहता ऐसे चलो बच्चों अब लास्ट सेक्शन है टीडीएस का चलो बच्चों अब नया टॉपिक चालू कर रहे हैं बच्चों ये अमेंडमेंट आया है बच्चों याद है तुमको ये पॉइंट नो मतलब कंप्लीट एक्सप्रेशन लेस पर एक बात पता है फाइनल वाली की अच्छी क्या है तुम उसको कितना भी कंटेंट दे दो वो सुनने के लिए रेडी है तुम सिर्फ बोल दो पर अगर आपने मान लो थोड़ा सा उसको बोला थोड़ा सा मस्ती करने की कोशिश की अरे यार चलो थोड़ा सा ठीक है फिर आता है इंटर का बच्चा नया नया कौला वाला बराबर है ये आए नही सुबह सुबह ऊपर ठीक है ये जो नए नए आए हैं ना इनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है <laughs> अरे वहां का सच बोल रहा है यार यू नो ये जो नए नए बच्चे आए हैं ना अभी तीन दिन से इनको बड़ा मजा आ रहा अच्छा अब इनके सवाल सुनो ये सवाल तुम्हारे भी थे सर माइनर को कोई को इनकम हुई तो टैक्स लगेगा क्या सर इलीगल एक्टिविटी से इनकम आई तो इस पे टैक्स लगेगा क्या ऑफ लेट अब तुम समझते हो कि इंस्टीट्यूट ऐसा कोई फालतू क्वेश्चन पूछता नहीं ये तुम्हारे को पता है बराबर है उनको अलग क्यूरोसिटी जागी हुई है सुबह सुबह वो बहुत खुश है बेसिक चालू है ना उनको जीवन की सच्चाई पता है पता चलने वाली है सैलरी एच पी उनको जीवन समझ में तब आएगा पीजीवीपी कैपिटल गेन उनको तब जीवन समझ आएगा कि वो जितना अच्छा ये सब्जेक्ट को समझ रहे हैं उतना भी अच्छा नहीं है बराबर है फिर होते एक जिनको यू नो जिनको अटेम्प्ट लग चुका है वो वाले बच्चों ये अमेंडमेंट बच्चों ये नए बच्चों याद आ रहा है तुमको कुछ याद नहीं आ रहा हमारे को जीवन में साले याद आता इधर बैठे होते हम बातें कर रहे बच्चों लेकिन आज ऐसा होना चाहिए बच्चों तुम्हारा तीन दिन के अंदर में पूरा टॉपिक रिवाइज होना चाहिए बाजू वाले को मोटे को बैठे बैठे क्या लग रहा बोलने को होता है कि नहीं और इसी बीच फाउंडेशन का बच्चा आता ठीक <laughs> है फाउंडेशन का बच्चा ठीक है अब ये तीनों लोग रात में क्या कर रहे मैथ में खाना खा रहे ठीक है? फाउंडेशन का बच्चा। भाई मैथ्स कितना मस्त तो सब्जेक्ट है ना इको तो इतना शानदार है और तेको पता है बता ये खाना इसने दिया लेकिन इसने पैसे नहीं दे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल <laughs> इंटर वाला पता है उसके बाजू बैठ के क्या सोच रहा है लाइफ ना तेरी अच्छी है साले ठीक <laughs> है पर तू आएगा ना भाई लेवल है टैक्स ऑडिट मस्त तेरे को जो अच्छा लग रहा है ना फाउंडेशन में इंटर में हा? तेरे को समझ में आएगा बराबर है फिर इंटर बोलता हूँ नहीं भाई बहुत मेहनत करेंगे फर्स्ट अटेम्प में बुद्ध ग्रुप क्लियर कर देंगे इसी बीच में फाइनल वाला चुपचाप <laughs> चुपचाप वो चुपचाप अपना खाना खा का रहा है अपने मटर पनीर पे फोकस कर रहा है लाइफ में <laughs> एक बात समझो यार नो no डाउट आपका कितना भी मन कर ले आपको बोर हो अच्छा लगे या नहीं लगे पटहर काम आप बोर होने के लिए नहीं करते अच्छा लगने के लिए करते इट इज़ नॉट एन एंटरटेनमेंट इट इज़ अ करियर एंड यू नो इट इज़ इनकम टू समन और जब ये इनकम है ना बेटा किसी के लिए तो ये बहुत सीरियस मैटर होता है आपको और ये जो प्रैक्टिस तुमको कराई जा रही है ना दिन भर बैठने की छः छः घंटा बारह बारह घंटा बैठने की ये आज की प्रैक्टिस नहीं है ये उस दिन की प्रैक्टिस है जब ड्यू डेट रहेगी क्लाइंट की और तुम्हारे हाथ में पता है क्या रहेगा भयानक प्रेशर जो तुम आज चीज चीज़ से गुजर रहे हो ना इसको बोलते प्रेशर और ये प्रेशर जो है ना ये तुमको आदत होनी चाहिए ये उसका प्रैक्टिस चालू है क्योंकि जिस दिन ड्यूडेट होता है ना बेटा ये आर्टिकल चिप में जाओगे तो अभी समझ में आएगा जिस दिन ड्यूडेट होता है ना दस पंद्रह फाइल एक साथ पड़ी है एक टेबल के ऊपर ये इसका ये पेंडिंग उसका वो पेंडिंग बस आज तुम्हारे साथ क्या है कॉस्टिंग का ये पेंडिंग अकाउंट्स का ये पेंडिंग लॉ का ये पेंडिंग ऑडिट का ये पेंडिंग ठीक उसी दिन वैसा ही होता है ये क्लाइंट का ये पेंडिंग उसका डेटा ही नहीं आया उसका डेटा आया तो मैच ही नहीं कर रहा उसका डेटा आया तो मैच कर रहा पर अकाउंटेंट बोलता है ये जो है इसमें पूरी डिटेल्स है ही नहीं चौथा वाला जो है वो फाइल अपलोड ही नहीं हो रही ये सब हो रहा तो इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा <zamupprites> और ये सब हो रहा तो वेबसाइट वो नहीं रिजल्ट के दिन आता है बस वो तो सोचो आदमी का इतना दिमाग खराब हो जाता ना आदमी को ऐसा बैठा रहना पड़ता हमारे दो दो बजे तक कैसे बैठे कर कुछ ही नहीं रहे काम हो गया पर अपलोड ही नहीं हो रहा आज नहीं किया तो फीस लगे आज नहीं किया तो फीस लगे तो ये जिस काम में आप है ना यह बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है एंड दिस दिस टेक टेक टाइम टाइम दिसम दिसमो तो आज जो तुमको शायद बहुत ज्यादा बोर हो रहा है ना कि यार नहीं अब नहीं होगा मेरे से बैठ के ये उस दिन का प्रैक्टिस है जब तुमको बैठना ही काम है समझ में आया? क्योंकि तुम आर्टिकल शिप के अब यू नो आर्टिकल्स के भरोसे काम नहीं छोड़ पाओगे आर्टिकल्स ने कितना भी काम कर लिया तुमको वो फाइल एक बार देखनी ही पड़ेगी चलो 194 नाइन्टी फोर क्यू अत का है ये सेक्शन परचेस 194 नाइन्टी क्यू अच्छा पहले ये समझ लेते हैं कि ये सेक्शन आया कहाँ से और इसका रेलेवेंस क्या है देखो टी सी एस का एक सेक्शन है वन टू जीरो सिक्स सी वन एच आज तक के परचेस और सेल्स के ऊपर कभी भी टी डी एस या टी सी एस नहीं था ये सो नो पहली बार कपल ऑफ ईयर्स अगो इन्होंने क्या लाया सेल ऑफ गुड्स के ऊपर क्या लाया टी सी एस तो इन्होंने क्या किया सबसे पहले इन्होंने कहा अगर कभी भी कोई प्रोडक्ट क्या होता है सेल होता है तो सेलर क्या करेगा कलेक्ट करेगा किससे बेटा बायर से विल कलेक्ट टी सी एस ऑन सेल ऑफ गुड्स इफ द वैल्यू एक्सीड एनी वन फिफ्टी लैक्स तो टी सी एस एट द रेट ऑफ पॉइंट वन परसेंट याद आ रहा है राइट right? तो क्या किया गया सबसे पहले टीसीएस आया था सबसे पहले क्या आया था टीसीएस और टीसीएस में कहा गया सेलर किससे कलेक्ट करेगा बायर से कलेक्ट करेगा टीसीएस ऑन द वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज फिफ्टी लैख तो पचास लाख के ऊपर का जो गुड सेल हो रहा है बल्क सेल के ऊपर ट्रांजैक्शन पे नजर रखने के लिए सरकार ने क्या किया इस पर टीसीएस लगा दिया सरकार को इतना अच्छा रिस्पांस मिला इस चीज का कि उन्होंने सेम कट कॉपी पेस्ट किया और किसके लिए लाया टीडीएस के लिए ला लिया अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी यहां पे सेलर का मतलब क्या था सेलर का मतलब वो था जिसका टर्नओवर एक्सीड करता था एनीवन वन टेन करोड़ इन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर तो सेलर भी छोटे मोटे सेलर नहीं जो सेलर बल्क सेलर है और बल्क परचेसेस हो रहा है किसी क्लाइंट द्वारा तो उस पर ये लोग क्या करते थे टीसीएस अब एक सिचुएशन आई बायर भी तो बल्क परचेसर हो सकता है जरूरी थोड़ी ना सैलरी हो तो अब यही सिचुएशन उनने रिवर्स करके 194 क्यू में रख दी यही सिचुएशन रिवर्स करके उनने क्या कर दी 194 क्यू में रख दी जहाँ पे अब टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा बायर अगर वो क्या करता है गुड्स बाय करता है एक्सीडिंग रुपीस बोलो बेटा 50 लैक्स तो वो टीडीएस करेगा एट द रेट ऑफ पॉइंट वन परसेंट समझ में आई बात राइट right. तो अगर वो क्या करेगा बायर सेलर को पेमेंट देता रहेगा और बस सारी कंडीशन जो सेलर पे थी वो इस पे आ गई बायर कब टी डी एस करेगा जब उसका टर्न ओवर एक्सीड कर जाएगा कितने से बेटा टेन करोड़ इन द प्रीवियस प्रिसडिंग ईयर अब किसी नालायक के मन में ये पॉइंट आ सकता है कि सर बायर और सेलर दोनों का टर्न ओवर दस दस करोड़ के ऊपर है तो टीडीएस होगा या टीसीएस होगा देखो इधर ऑफ द सिम में तो हम बहुत क्लियर है या तो टीसीएस होगा या तो टीडीएस अब अगर दोनों रनओवर इससे ऊपर है तो टीडीएस होगा या टीसीएस होगा अब टीसीएस के पूरे प्रोविजन में ये लिखा है हम टीसीएस उन पॉइंट्स पे नहीं करते जिन पॉइंट पे टीडीएस होता है तो 194 क्यू बाद में आने के बावजूद भी प्रिवेल करेगा रहेगा टू पे समझ मारो so, अगर बायर और सेलर दोनों का टर्न ओवर दस दस करोड़ के ऊपर रहा तो उस केस में वन नाइनटी फोर क्यू विल ओवर टू जीरो अगर आता है तो इस केस में वन फोर क्यू क्लियर विनर बनता है समझ रही बात इस केस में वन नाइनटी फोर क्यू क्या बनता है बेटा क्लियर विनर बनता है आओ बायर हुज टर्न ओवर क्रॉसिड एक्सीड टेन करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस प्रिसीडिंग ईयर सेलर हुई इज रेसीडेंट एंड सेल द गुड्स एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ फिफ्टी लैख टी डी एस एट द रेट ऑफ पॉइंट वन परसेंट ऑन द सम एक्सीडिंग फिफ्टी लैखटी लैख का परचेसेज होगा टेन लैख का पॉइंट वन परसेंट टेन लैख का पॉइंट वन परसेंट वन नाइनटी फोर क्यू अप्लाइज टू परचेस ऑफ ऑल गुड्स वेदर कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट तो बी ए कैपिटल गुड्स्यू गुड्स डजेंट मैटर टी डी एस आएगा सेक्शन इज एप्लीकेबल वेदर द बायर इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इफ सेलर डज नॉट प्रोवाइड पैन मैक्सिमम रेट क्या था बेटा फाइव परसेंट इंस्टेड ऑफ ट्वेंटी परसेंट यस और इस सेक्शन में इंस्टेड ऑफ पॉइंट वन परसेंट हा इफ टी डी एस इज डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन टीसीएस अंडर टू जीरो सिक्स वन एच इज नॉट एप्लीकेबल यस अब एक और सेक्शन है 194 ओ oh. एक और सेक्शन है 194 ओ oh. एक और सेक्शन है 194 ओ oh. तो 194 ओ oh के केस में क्या होगा वो हम देखते हैं वो हम क्या करेंगे बेटा देखते हैं मोमेंट हाल फिलहाल में ये दो पॉइंट छोड़ो अभी द लिमिट ऑफ 50 लैक्स शैल बी काउंटेड फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2021. अब ये लाइन को कट कर दीजिए इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं अब इफ द ट्रांजेक्शन टू विच बोथ सेक्शन अप्लाई टैक्स फोर क्यू राइट अगर मान लीजिए कोई अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है कोई अमाउंट कहां पड़ी हुई है सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है एओ असेसमेंट कर रहा है और आप इस सस्पेंस अकाउंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो एओ क्या कर सकता है इसको टीडीएस के अंदर में कवर कर सकता है। चलो आप ये बनाना चाहते हैं बनाओ हुँ? नहीं नहीं एग्रीगेट

वन नाइन्टी फोर क्यू में जाइए सॉरी शॉर्टकट में जाइए पहुंचे बच्चे लिखो वन नाइन्टी फोर क्यू वन नाइन्टी फोर क्यू हाँ परचेज ऑफ गुड्स एक्सीडिंग फिफ्टी लैख टी डी एस पॉइंट वन परसेंट डन ब्रो से यश अच्छा आई गेस अब एक ही चीज बाकी है कौन सी नहीं नहीं टी डी एस में वन नाइन्टी फोर डी ए वन नाइन्टी फोर डी ए वन नाइन्टी फोर डी ए ठीक है अब ध्यान से सुनिए जनरली इंश्योरेंस कंपनसेशन जो मिलता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनसेशन ये एक्समट होता है अंडर सेक्शन टेन टेन डी अगर लाइफ इंश्योरेंस मिला है तो ये एक्सम्ट होता है अंडर सेक्शन टेन टेन डी बट अगर ये एग्जाम नहीं है टैक्सेबल है एंड अमाउंट एक लाख रुपए के ऊपर आ रही है तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट यहां पे लिखिए इंटरलिंक अंडरस्टैंड करिए थोड़ा सा इंटरलिंकिंग करवा रहा हूं ध्यान से सुनना देख विजय प्रीमियम पे करता है विजय क्या कर रहा है प्रीमियम पे कर रहा है टू एल आई सी बराबर ये जो प्रीमियम है डोंट यू थिंक आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा इफ नॉट ऑप्टेड फॉर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी बराबर है ना अब एल आई सी को जो मिल रहा है ये इनका पी जी बी पी है ये सुनो एक बात याद करो ये अभी से हैबिट लगा लो मैं फाइनल में भी इस तरह से इंटरलिंकिंग करके ही पढ़ाने वाला हूं तो भैया इसने प्रीमियम पे किया एलआईसी एल के लिए इनकम कौन से हेड में चले गए पीजीबीपी अब एल ने क्या किया एल कभी ना कभी ध्यान से सुनना इसको क्या करेगी पे करेगी पेमेंट जब किया जाता है कई बार क्या दिया जाता है बोनस ये पेमेंट और बोनस जो है ध्यान से सुनना ये पेमेंट और बोनस जो है ये क्या है एग्जाम है. अंडर सेक्शन टेन टेन डी इफ कंडीशन आर सेटिसफाइड इफ कंडीशन आर सेटिस्फाइड अगर कंडीशन सेटिसफाइड है तो वह टेन टेन डी के अंदर में एक्समट है तो एक्समट है टेन टेन डी तो अब मुझे एक बात बताइए इफ नॉट सेटिस्फाइड दें इफ नॉट सेटिस्फाइड दें वो क्या हो जाएगी बेटा टैक्सेबल कहां टैक्सेबल हो जाएगी आई एफ ओ एस किसको विजय को इन दैट पर्टिकुलर केस इन दैट केस एल को क्या करना पड़ेगा टी क्योंकि विजय के हाथ में वो क्या हो गई टैक्सेबल और ये टीडीएस होता है वन नाइनटी के अंदर में एट द रेट ऑफ 5 परसेंट इफ द इनकम एक्सीड 1 लाख इफ़ दैट कंपनसेशन अमाउंट एक्सीड वन लाख समझ में आया पूरा गेम वेट अ मिनट नहीं समझा आपको अभी अगर एल आई सी ये पेमेंट देता है तो ये एक्जम्ट होता है एक्जम्ट होता है इफ़ कंडीशन आर सेटिस्फाइड इफ कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड एल आई सी ये जो अमाउंट दे रहा है उसके ऊपर टी डी एस करेगा अंडर सेक्शन वन नाइनटी फोर डी एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट इफ द कम्पनसेशन एक्सीड वन लैख पर टी डी एस किस अमाउंट पर होगा TDS ऑन फॉलोइंग अमाउंट अमाउंट received माइनस अमाउंट पेड ये एक बहुत बड़ा केस लॉ है होता क्या था एक लाख के ऊपर पहले जितना कंपनसेशन होता था इसमें से इस पे पांच परसेंट टी डी एस हो जाता था इस पर क्या हो जाता था बेटा पांच परसेंट टी डी एस हो जाता था लेकिन लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट किया लोगों ने बोला लेट्स से अगर मेरे को पांच लाख रुपए मिल रहा है इसमें से तीन लाख तक का तो प्रीमियम मैंने खुद ने भरा हुआ है आप तीन लाख पे कैसे टीडीएस लगाओगे वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट है ना टीडीएस आप इनकम पे लगाओगे ना तो इसमें इनकम कंपोनेंट कितना है दो लाख इफ अमाउंट एक्सीड वन लाख जितना मिल रहा है वो एक लाख के ऊपर जा रहा है तो टीडीएस का प्रोविजन अट्रैक्ट कर रहा है ठीक है पर टीडीएस किस पे होगा अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड तो मान लो मेरे को पांच लाख का कंपनसेशन मिल रहा है लेकिन आज तक मैंने खुद नहीं इसमें प्रीमियम तीन लाख रुपए पे कर दिया तो इसमें तो मेरी नेट इनकम दो लाख ही हुई ना टीडीएस yes. कितने पे होना चाहिए yes. दो लाख आर यू गेटिंग द पॉइंट टीडीएस किस पे होना चाहिए ब्रो yes. दो लाख समझ में आया क्या लिखना चाहोगे लिखो इंटरलिंकिंग ऑफ वन नाइनटी फोर डी ए सर जीएसटी भी आप ही पढ़ा दो हाँ है ना जीएसटी भी मैं पढ़ा देता हूं ना और व्हाट अबाउट कॉस्टिंग जीएसटी जीएसटी ठीक है पढ़ा दो लॉ लॉ अकाउंट्स अकाउंट्स ऑडिट 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 के ऐसे भाई देख एक में यह हालत है सी मैं इसलिए नहीं घुसता यार फाइनल का ड्यूटी बहुत वास्ट है यार तुम ये समझो ना यार इंटर लेवल पे तुम्हारे को एक इतना है मैं क्यों मैं इंटर का भी जीएसटी क्यों नहीं लेता बहुत सिंपल सा रीजन है फाइनल के कमिटमेंट बहुत हाई है फाइनल के जो कमिटमेंट्स है ना ये बहुत हाई है तुमको ले दे के सत्रह चैप्टर है तो इतनी हालत खराब है तुम्हारी फाइनल में फिफ्टी थ्री चैप्टर है फाइनल में कितने चैप्टर बेटा फिफ्टी थ्री सर बस एक बात नहीं आगे और फाइनल में फिफ्टी थ्री फाइनल में इंटरनेशनल टैक्स भी आता है बात समझना दो लाख इंटू पांच परसेंट डन खत्म बेटा चलिए अब एक अच्छी बात बोलू 194 नाइन्टी ओ आपके न्यू इंटर के मॉड्यूल में नहीं रखा गया है तो आप वहां से रिलीव डे 194S नाम का एक और टी का सेक्शन आया है वो भी आपके इंटर के टैक्स के मॉड्यूल में नहीं रखा गया है तो वहाँ से आप रिलीव्ड है समझ में आए इसीलिए मैंने वो पढ़ाते हुए बीच में 194O का पॉइंट रोक दिया और आपको बोला रुक जाओ तो ये आपके मॉड्यूल में है नहीं स्टिल आई आयल चेक इट अगेन वापस से एक बार क्योंकि मेरे को कन्फर्म है कि ये है तो नहीं स्टिल आई आयल चेक इट अगेन रहेगा तो कल टी के साथ उसको ख़त्म कर देंगे इज दैट डन यस आज प्लीज मेक श्योर कर लीजिए आपका लॉ का जो फास्ट ट्रैक है वो खत्म हो जाए सो दैट वी कैन टेक एक्स्ट्रा लेक्चर उन्होंने मेरा भी एक्स्ट्रा टाइम ले लिया अब भी एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है वो आदमी आया नहीं ना वहाँ पे ठीक है। ठीक है चलो सी यू टुमारो बाय बाय एंड टेक केयर टाइम कल एक्सप्लेन करता मैं ग्रुप के ऊपर डाल देता वही हाँ जी हाँ सुबह सात बजे से करने का ना एक बार देखता क्योंकि ऊपर का भी क्लास है फाइनल का भी क्लास है और तुम्हारा भी है तो जो भी बेस्ट होगा वो करूँगा डोंट वरी